हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज मैं आपको 1000 स्क्वायर फीट वॉल एरिया की सीमेंट प्लास्टर कॉस्ट कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 1000 स्क्वायर फीट अगर आपका वॉल का एरिया है तो उसमें कितना तो सीमेंट लगेगा कितनी सैंड लगेगी और कितने रुपए की लेबर लगेगी यानी कि हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे एक स्क्वायर स्क्वेयर फीट वॉल एरिया की एक स्क्वायर स्क्वेयर फीट आपका टोटल वॉल का एरिया हो सकता है चाहे वो मकान के एक साइड की वॉल हो या मकान के टोटल दीवारों का एरिया और कैलकुलेशन हम चार सिंपल स्टेप्स में कैलकुलेट करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी और अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं हैं तो स्टेप नंबर हमारा टोटल वॉल एरिया है स्क्वायर स्क्वायर फीट या मीटर भी कह सकते हैं। अगर आप स्क्वायर फीट को दस पॉइंट छिहत्तर से डिवाइड करते हो तो यह स्क्वायर मीटर में आ जाता है और यहां हम प्लास्टर की थिकनेस लेंगे बारह एमएम और 0.012 मीटर मीटर में कन्वर्ट करने के बाद और हमारा मोटार मिक्स का रेशो है वन का तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ मोटार हो जाएगा टोटल एरिया इंटू थिकनेस और ये हो गया 92.9 टू पॉइंट इज इक्वल टू वन क्यूबिक मीटर तो ये हमारा प्लास्टर का वॉल्यूम आ गया तो स्टेप नंबर टू पहले आप इस वॉल्यूम में

आपका ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम से 1.33 टाइम्स ज्यादा होता है तो हमारा ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वन पॉइंट इंटून क्यूबिक मीटर तो हमारा ड्राई वॉल्यूम हो गया क्यूबिक मीटर नाउ स्टेप नंबर थ्री अब हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारा मोटर रेशो है वन इज टू फोर का यानी कि एक पार्ट सीमेंट और चार पार्ट सैंड तो सीमेंट क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू सीमेंट का मिक्स में प्रोपोर्शन परिवाइडल तो हमारा वॉल्यूम है आप सभी जानते हैं कि हमारी सीमेंट की डेंसिटी होती है चौदह सो पर क्यूबिक मीटर तो वेट ऑफ सीमेंट हो जाएगा के में सीमेंट वॉल्यूम इंटू सीमेंट डेंसिटी Equal to cement volume है हमारा जीरो सो चालीस डेंसिटी ऑफ सीमेंट और ये हो गई केजी और एक बैग होता है हमारा पचास के जी काल टू नाइन पॉइंट और अप्रोक्स टेन बैग्स तो ये हमारी हो गई दस बैग सीमेंट अब स्टेप नंबर फोर में हम सेम ऐसे ही सैंड की क्वांटिटी निकाल लेंगे

55 पैसे। और अगर लेबर की बात करें तो टोटल तो प्लास्टर एरिया हमारा एक हजार स्क्वेयर फीट और लेबर का जनरली रेट रहता है प्लास्टर करने का आठ से बारह रूपए स्क्वेयर फीट तक का तो अगर हम लेबर रेट मैक्सिमम भी लेकर चले तो टोटल तो बारह हजार रुपए की आपकी लेबर कॉस्ट हो जाएगी तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी मटेरियल और लेबर की अट्ठारह हजार रुपए के करीब तो एक हजार स्क्वेयर फीट वॉल एरिया के प्लास्टर में आपके लगभग अट्ठारह हजार रुपए लगेंगे और अगर पर स्क्वायर फीट का रेट देखें तो यह हो जाएगा डिवाइड पर स्क्वायर फीट तक विद मटेरियल प्लस लेबर तो 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 आप आप जब भी काम देंगे तो या मेटीरियल तो पर स्क्वायर फीट तक विद मटेरियल काम दे सकते हैं या फिर मटेरियल खुद से परचेज करके सिर्फ लेबर रेट पर काम दे सकते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स नंबर वन यहां मैंने इस एनालिसिस में जो भी मटेरियल रेट पकड़े हैं वे विदाउट जीएसटी लिए हैं सेकंड आपके मेटेरियल और लेबर की कॉस्ट साइट लोकेशन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर की क्लास पर वेरी कर सकती है और नंबर थ्री आप इस मेटेरियल क्वांटिटी में पांच परसेंट मेटेरियल वेस्टेज भी ऐड करके चलेंगे जब आप मेटेरियल परचेज करने जाए ओके फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में यहीं तक आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी हो आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है ओके फ्रेंड्स तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइज सी इन ने द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डे